सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिली है कि अमृतपाल एक बार फिर विदेश भागने की कोशिश कर सकता है, इसलिए यूपी के लखीमपुर खीरी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। खासकर गौरीफटा बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बस, ट्रक, कार सबकी चेकिंग हो रही है। गौरीफटा के आसपास अमृतपाल की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। जंगल वाले इलाकों में एसएसबी के जवानों की गश्त भी बढ़ा दी गई है। अमृतपाल को लेकर पंजाब में भी हाई अलर्ट है। इस बीच तलवंडी साबो में विशेष सभा बुलाकर अकाल तख्त के जत्थेदार ने अमृतपाल को सरेंडर की सलाह दी है। बहुत सारे मीडिया चैनल, प्राइवेट चैनल, यूट्यूब चैनल जो है उनको बैन कर दिया है। ये बात गलत है। मीडिया भी जो है नहीं होना चाहिए, मीडिया को अपना काम भी हो करना चाहिए। अमृतपाल और उसका साथी पपलप्रीत आखिरी बार 27 मार्च को होशियारपुर में देखा गया था, लेकिन उसके बाद इन दोनों का कोई अता पता नहीं है। पंजाब पुलिस की कोशिश है कि अमृतपाल किसी भी धार्मिक स्थल में दाखिल ना हो पाए, इसलिए पूरे पंजाब में ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन जारी है।